The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। आज हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में, हेडेक के बारे में, सरदर्द के बारे में। जब भी आपका सरदर्द होता है, हज़ारों लोग आपको सलाह देते हैं, ये कर लो, वो कर लो, ये खा लो, वो कर लो, और कई यूट्यूब चैनल पर उल्टी सीधी होम रेमेडीज, एक काम करो, इसको कूटो, इसको करो, और ज़्यादातर टाइम कुछ काम नहीं करता। आपने सब ट्राई कर लिया, 2 मिनट 2 मिनट 3 मिनट सब काम कर लिया, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा। आपको माइग्रेन हेडेक है, आपको डॉक्टर ने बताया माइग्रेन है, क्योंकि हेडेक और भी कारण से होता है। लेकिन अच्छी बात ये जानने वाली है कि माइग्रेन का या किसी भी प्रकार का हेडेक हो, 95% हेडेक्स सेफ होते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। क्यों? क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में कोई पेन रिसेप्टर नहीं है। पेन रिसेप्टर ही नहीं है तो ब्रेन एक्चुअल डैमेज भी हो रहा होगा, अंदर से ब्रेन में कोई काट भी रहा है तो ब्रेन में पेन नहीं होगा। तो पेन नहीं होगा तो आपको पेन क्यों हो रहा है? वो किसी और कारण से है। क्या कारण है? ब्रेन के अंदर अगर प्रेशर बढ़ता है तो ही आपको पेन होता है। ब्रेन के अंदर का इंटरनल प्रेशर बढ़ता है, ब्रेन आगे दबता है और ब्रेन के आगे आसपास की नसें, वहाँ की अदर चीज़ों में प्रॉब्लम होती तो पेन होता है। और जब माइग्रेन पेन होता है, आपको पेन होता है, तो आपके सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, क्योंकि उस समय आपके ब्रेन में ना तो स्ट्रोक हुआ है, ना ट्यूमर है, ना कोई और चीज़ है, वरना आपके टेस्ट नॉर्मल नहीं आते। माइग्रेन में सबको, आपके सरदर्द इतना तेज होता है कि आपकी लाइफ पे अफेक्ट करता है, आपके जॉब, आपकी स्कूल, आपका काम, आपके रिलेशनशिप, आपका परफॉर्मेंस सब हैम्पर हो रहा है। आपने 7 टेस्ट करा लिए लेकिन सब टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, लेकिन पेन इतना ज़्यादा आपको लग रहा है, कुछ डैमेज हो रहा है, लेकिन रिसेप्टर ही नहीं है वहाँ पर, डैमेज नहीं हो रहा, राइट? अगर वहाँ पर टेस्ट नॉर्मल नहीं आते, मान लो आपको स्ट्रोक है, मान लो आपको ब्रेन ट्यूमर है, मान लो आपको कोई और ब्रेन में प्रॉब्लम है, तो आपके टेस्ट में गड़बड़ आएगी, आपके एमआरआई में कुछ दिखेगा, आपके फिजिकल एग्जामिनेशन में कुछ दिखेगा, आपकी प्यूपिल्स, रिएक्शंस, रिफ्लेक्सेस, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आएगा। अगर सब नॉर्मल है तो आपको सिंपल ओवर सेंसिटिव ब्रेन है। सिंपल ओवर सेंसिटिव ब्रेन मतलब ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल बैलेंस इम्बैलेंस हो रहा है। ब्रेन में क्या है, बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, इतने मिलियन ट्रिलियंस न्यूरॉन्स हैं, वो न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड क्या होते हैं, लगातार वहाँ इलेक्ट्रिकल बैलेंस, इलेक्ट्रिकल सप्लाई, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस निकलती रहती हैं। सोचते हो, करते हो, हर चीज़ में तो सोचना इन्वॉल्व है। इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस हो जाए, एक जगह इम्बैलेंस होगा तो क्या होगा, स्पार्कलिंग जैसे इलेक्ट्रिकल वेव्स बनेंगे, वो सारे जगह इम्बैलेंस क्रिएट कर देंगे और टेम्पररीली आपके ब्रेन में चेंजेस आएंगे। जैसे कि खून की नसें होती हैं आसपास की, वो ब्रेन में खून की नसें थोड़ी सी टेम्पररीली उसमें डायलेट हो जाती हैं, टेम्पररीली वहाँ पे प्रेशर सा बढ़ जाता है और टेम्पररीली आपको हेडेक होने लगता है, और वो हेडेक से आपको फिर लाइट से या साउंड से सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, या बहुत सारे जो भी सिम्टम होते हैं माइग्रेन के जो हम डिस्कस करेंगे वो होते हैं। सिर्फ ओवर सेंसिटिव ब्रेन, सिर्फ इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस, कुछ और नहीं, कुछ नहीं। आप ही को क्यों, ये जेनेटिकली डिस्टर्बेटर माइंड है। किसी की सेंसिटिव स्किन होती है, किसी का सेंसिटिव इंटेस्टाइन्स होते हैं, किसी को थोड़ी सी धूप में जाओ तो खुजलियां और दिक्कतें होनी शुरू होती है, किसी का ब्रेन सेंसिटिव होता है, ये जेनेटिकली डिटरमाइंड है, राइट? फीमेल्स में ज्यादा होता है, मेल्स में कम होता है, किसी भी उम्र में हो सकता है, ये होता है। क्या इसका मतलब जिसको हेडेक है वो माइग्रेन नहीं, हेडेक के और भी कारण है, टेंशन हेडेक, स्ट्रेस हेडेक, साइनस हेडेक, साइनोसाइटिस प्रॉब्लम के क्लस्टर हेडेक और बहुत सारे स्ट्रोक, आपके ट्यूमर से हेडेक, वो सब हेडेक्स हो सकते हैं। लेकिन उनमें फिर कुछ ना कुछ आएगा, टेस्ट में आएगा, टेस्ट में कुछ ना कुछ आएगा, मसल स्पाज़म होंगे, कुछ ना कुछ तो रहेगा, आपके केस में कुछ नहीं, राइट? सो फिर भी डायग्नोसिस के लिए एक क्राइटेरिया बनाया गया है माइग्रेन के। माइग्रेन तब कहते हैं, एक अटैक आया तो माइग्रेन नहीं होता, आप कम से कम 5 अटैक चाहिए, कम से कम 5 अटैक्स को फिर माइग्रेन कहते हैं। 5 अटैक जिसमें कम से कम जो हेडेक है वो 4 घंटे से लेके 72 घंटे तक लंबा होना चाहिए हेडेक। ऐसा नहीं 10 मिनट हेडेक, नहीं, 4 घंटे से 72 घंटे तक हेडेक हो उसको कहते हैं कि या तो ये हो, राइट, या तो ये प्लस 4 में से 1-2 क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए, यानी कि या तो वो यूनिलैटरल हो, एक साइड का हेडेक हो, दूसरा पल्सटाइल हेडेक हो, तीसरा बहुत ज़्यादा सिवियर, मॉडरेट टू सिवियर हेडेक, इतना कि आपको बाल को हाथ लगा रहे तो दर्द हो रहा है, सर को हाथ लगा रहे तो दर्द हो रहा है, बेंड कर रहे हो, हिल रहे, डुल रहे हो तो दर्द हो रहा है, इतना दर्द की
चक्कर आ रहा है, विजन प्रॉब्लम हो रही है, तो वो सीवियर हेडेक, या चौथा आपके रूटीन काम करने में आपको हेडेक हो रहा है, बढ़ रहा है, कॉजेज हेडेक, वही काम। तो ये चार में से कम दो चीज़ें होनी चाहिए, और एक क्राइटेरिया यानी कि दो में से एक, यानी या तो नौजिया वॉमिटिंग, उल्टी, उपकाई, या फिर फोटोफोबिया फोनोफोबिया यानी आवाज़ और लाइट से सेंसिटिविटी हो जाए, तो इनमें से कुछ कुछ होते हैं तो जाके हम बोलते हैं कि माइग्रेन हेडेक है, और वो हेडेक किसी और कारण से नहीं होना चाहिए, कोई और टेस्ट नेगेटिव, सारे टेस्ट नेगेटिव होने चाहिए, ताकि तभी हम कहते हैं कोई और कारण नहीं है तो माइग्रेन। तो माइग्रेन होता कैसे है? कई ट्रिगर होते हैं, ऑब्वियसली सेंसिटिव है तो कुछ तो होगा जो छेड़ेगा, तो कई ट्रिगर्स होते हैं जो आपके इस इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस को स्टिमुलेट करते हैं। ये ट्रिगर्स कुछ भी हो सकते हैं, खाने की चीज़, पीने की चीज़, कोई कॉफ़ी, चाय, कोई ऐसी नींबू लेमन टाइप चीज़ें, कोई प्रेशर, आपके साइकोलॉजिकल प्रेशर, कोई रिलेशनशिप स्ट्रेस, काम का ओवरलोड, थोड़ा सा डिफिकल्ट सा पजल, राइट, स्ट्रेस, सही से सोए नहीं, एक्सरसाइज नहीं की, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, राइट, अलग अलग लोगों में अलग अलग स्ट्रेसर्स होते हैं, तो आपको स्ट्रेसर्स को ढूंढना पड़ेगा, एक किताब बनानी पड़ेगी, डायरी बनानी पड़ेगी ट्रिगर ढूंढने के लिए। लेकिन चलो ट्रिगर है, उस ट्रिगर ने ट्रिगर किया, ट्रिगर से आपका इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस स्टिमुलेट हुआ, तब ब्रेन में क्या होता है? ब्रेन में सबसे पहले माइग्रेन स्टेजेस में आता है। स्टेज नंबर वन है प्रोड्रोम। प्रोड्रोम का मतलब कि पहले इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस शुरू होगा, छोटे से थोड़े से न्यूरॉन्स में होगा, तो वो प्रोड्रोम में आपको फूड क्रेविंग हो सकती है, आपको मूड चेंजेस हो सकते हैं, आपको थकान हो सकती है, आपको थिंकिंग प्रॉब्लम हो सकती है, आपको यॉनिंग, उबासियां आ सकती है, उसको कहते हैं प्रोड्रोम। प्रोड्रोम तूफान से आने वाले पहले की अंदेशा, शांति। फिर उसके बाद में ऑरा आता है। ऑरा क्या है? छः में से एक इंसान को ऑरा आएगा, उसको कहते हैं क्लासिकल माइग्रेन। उस ऑरा में टेम्प्रेरी ऑरा होता है, नॉन डेंजरस होता है, लेकिन लगता बहुत खतरनाक है, बहुत अद्भुत, अविश्वनीय जैसा चीज़ होती है। कभी आंखों के सामने अंधेरा आ जाना, अंधेरा स्पॉट आ जाना, कभी वीकनेस हो आपके एक हाथ में, कहाँ कमजोरी आ गई, नमनेस आ गई, मान लो कोई विजुअल ऑडिटरी कुछ सुनाई देने लग गया, कुछ दिखाई देने लग गया और आप समझा नहीं पाओगे, ऐसी भी चीज़ें होती हैं ऑरा में। स्पीच प्रॉब्लम आ गई, मुँह से आवाज़ अजीब तरीके से निकल रही, बड़बड़ा रहे हो, वीकनेस आ रही है, कुछ भी हो सकता है ऑरा में। तो ये ऑरा होता है खतरनाक, सबको नहीं होता, छः में से एक को होता है, और सर दर्द से पहले होता, कितना पहले? ज़्यादातर 10 से 15 मिनट पहले, लेकिन 24 घंटे पहले भी हो सकता है, यानी ऑरा के बाद आएगा सर दर्द, हेडेक, 15 मिनट बाद या 24 घंटे बाद। हेडेक जब आएगा तो ये इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन पूरे दिमाग में फैल गया, इलेक्ट्रिकल इम्बल्स इम्बैलेंस फैल गया है दिमाग में, तो हेडेक हो रहा है। ये हेडेक बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे फैलता जाएगा बढ़ता जाएगा, इसे रोका नहीं गया तो ये 4 घंटे से लेकर 72 घंटे तक भी रह सकता है, और उससे भी आगे चला जा सकता है, उससे आगे गया तो इसको कहते हैं स्टेटस माइग्रेनोसस। तो इसको रोकना ज़रूरी है जितनी जल्दी हो सके। कैसे रोकोगे? उस समय ऑब्वियसली रेस्ट करने की कोशिश करोगे, कुछ खा लो हो सकता है रुक जाता है, कुछ पी लो हो सकता है रुक जाए, सो जाओ हो सकता है रुक जाए। अगर इन सब चीज़ों से भी नहीं रुक रहा हेडेक, तो दवाई लो, सर दर्द की दवाई, एनसेड, नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जैसे कि सिंपल ब्रूफेन, पैरासिटामोल, एपो या फिर नेप्रोक्सिन, कॉम्बीफ्लेम, ये दवाई। अगर उनसे नहीं हो रहा तो फिर आपके डॉक्टर्स आपको देते हैं ट्रिप्टांस। ट्रिप्टांस नाम की मेडिसिन आती है नसों के दर्द के लिए, हेडेक माइग्रेन के दर्दों के लिए। लेकिन ये जो दवाएँ अगर आपको रेगुलर लेना, रोज़ ही दर्द हो रहा है, तो रोज़ लेना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर इसको महीने में 10 दिन से ज़्यादा लोगे तो आपकी हेडेक और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आएंगे। अगर हर दूसरे दिन, तीसरे दिन लोगे, महीने में 10 दिन से ज़्यादा लोगे इन दवाओं को, तो आपके माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। इसलिए माइग्रेन को प्रिवेंट करने की दवा भी रहती है। लेकिन मान लो इन दवाओं से या रेस्ट करने से माइग्रेन का हेडेक कम हो गया, फिर आता है पोस्ट ड्रोम फेज। पोस्ट ड्रोम मतलब वही चीज़ें, वीकनेस, थोड़ा सा मूड चेंज, थोड़ा सा आपका थिंकिंग प्रॉब्लम थोड़ी देर रहेगी, फिर उसके बाद ब्रेन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल पहले जैसा नॉर्मल, फ्रेश, कोई दिक्कत नहीं, ब्रेन में कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता माइग्रेन में, बिल्कुल पहले जैसे हो जाता, बस थोड़ा सेंसिटिव है कि फिर कोई ट्रिगर आएगा तो फिर इलेक्ट्रिकल डिसबैलेंस, इम्बैलेंस हो सकता है, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो इसीलिए ट्रिगर पहचानना जरूरी है, ट्रिगर से बचना जरूरी है, और अपनी सेंसिटिविटी नहीं बढ़ा सकते, बढ़ा सकते हैं कैसे? अच्छी लाइफस्टाइल से,
सही समय पे सही खाना, ब्रेकफास्ट जरूर खाना, सुबह का नाश्ता जरूर करना है, सही मात्रा में पानी पीना है 3 से 4 लीटर को, ब्रेन डिहाइड्रेट होगा तो दिक्कत होगी, राइट, नींद अच्छी लेना है, ब्रेन को रेस्ट बहुत बहुत जरूरी है, नींद के बगैर नहीं होगा, 7 से 9 घंटे की नींद, रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन वाली कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, योगा, मेडिटेशन, स्ट्रेस रिलीज और डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग बहुत जरूरी है इसमें, ये सब चीजें होती है प्रिवेंशन की, ये सब चीजें होती है ट्रिगर से सेंसिटिविटी कम करने की। इनसे भी नहीं हो रहा, अगर आपको महीने में 4 बार हेडेक आता ही आता है, महीने में 4 दिन से ज्यादा हेडेक हो रहा है, तो फिर हेडेक प्रिवेंट करने की दवा ले सकते हैं अपने न्यूरोलॉजिस्ट से। हेडेक प्रिवेंट करने की दवाओं में कई प्रकार के ऑप्शंस हैं, कई बार एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिसिन दी जाती है, कई बार बीटा ब्लॉकर दी जाती है, कई बार दौरा पड़ जाए ना, सीजर कन्वर्जन, मिर्गी की दवा दी जाती है, ये सब दवाओं से कई बार ब्रेन के स्टिमुलेशंस कंट्रोल हो जाते हैं, आपको नहीं होता। नेचुरल चीज़ों में बी कॉम्प्लेक्स में राइबोफ्लेविन यूज़ होता है, और विटामिन है राइबोफ्लेविन, और मिनरल्स मैग्नीशियम यूज़ होता है, और एक हर्ब होता है फीवर फ्यू नाम का हर्ब यूज़ होता है, जो कि प्रिवेंशन में काम करता है। अल्टीमेटली काम ये यही है कि हम ये रोज़ ले रहे हैं आपके इम्बैलेंस को प्रिवेंट करने के लिए, आपकी सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए, दर्द को मास्क करने के लिए, पेन किलर नहीं है ये। इस दवाओं से आपका माइग्रेन मास्क नहीं हो रहा कि ब्रेन के अंदर डैमेज हो रहा है, ये भूल जाओ। ये दवाएं इसलिए है कि बार बार दर्द ना हो और आप अपनी लाइफ जी सको, तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है, साथ में डायरी मेंटेन करनी पड़ती है, ट्रिगर्स पहचानने पड़ते हैं, अपने डॉक्टर के साथ काम करना पड़ता है, तब जाके माइग्रेन को आप जीत सकते हो। लेकिन अल्टीमेटली इनका नॉलेज ही नहीं होगा तो इंसान क्या करेगा। इसीलिए ये वीडियो ज़रूरी है आपको नॉलेज देने के लिए, और आप इसे आगे बढ़ाइए, शेयर करिए, ताकि लोगों को नॉलेज मिले अपने माइग्रेन से, वो बच सकें, जीत सकें, समझ सकें। सो पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें, नीचे लिख के बताइए और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।